आज के क्लास में हम लोग जो सब्सिडरी बुक नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का पहला बुक जो कि परचेज बुक हम लोगों ने पढ़ा है, उस परचेज बुक में सवाल नंबर एक हम लोगों ने पिछले क्लास में बना लिया था, सवाल नंबर दो आप लोगों को होमवर्क दिए थे और आज हम सभी सवाल नंबर तीन करेंगे। सवाल नंबर तीन जो कि परचेज जर्नल बुक बनाने के लिए बोला है, सभी लोग अपने अपने किताब में गौर से देखेंगे। लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज जर्नल बुक ऑफ MS गुप्ता ट्रेडर ऑफ जुलाई 2022, यानी कि MS गुप्ता ट्रेडर के बुक में परचेज जर्नल बुक आपको बनाना है जुलाई 2022 के लिए। तो देखिए सर, सबसे पहले 2022 जुलाई 1 को क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम राहुल ट्रेडर एज पर इनवॉइस नंबर, यानी इनवॉइस नंबर भी दे दिया है। सबसे पहले सर सवाल जो भी दिया है आप लोगों को बनाने के लिए, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, तो परचेज जर्नल बुक का फॉर्मेट बना लीजिए। तो देखिए सर, आप लोगों को पिछले क्लास में हमने सिखाया था कि फॉर्मेट कैसे बनेगा, कोई हेल्प करेंगे क्या फॉर्मेट बनाने में? चलिए जल्दी से बताइए फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, बोलो इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ट्रेडर्स। क्या बनाना है सर गुप्ता ट्रेडर के बुक में, परचेज, परचेज, परचेज बुक बनाना है कि नहीं? तो चलो परचेज बुक बनाना है, फटाफट फॉर्मेट खींच दीजिए और आइए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं। देखिए तो दिखाई दे रहा है क्या, बंद करो उसको, चलो गौर करो। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फॉर्मेट अच्छा सा खींच लेना है, अच्छा सा फॉर्मेट खींच लेना है। सबसे पहले किसका कॉलम होता है, डेट का, उसके बाद डेट के बाद डेट के बाद कॉलम होगा नेम ऑफ सप्लायर का, उसके बाद बोलो LF का कॉलम, उसके बाद LF, बोलो LF का पतला सा कॉलम, उसके बाद LF का पतला कॉलम के बाद इनवॉइस नंबर का एक कॉलम, बोलो इनवॉइस नंबर के कॉलम के बाद डिटेल अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट, यही होता है ना फॉर्मेट सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए इस फॉर्मेट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए सर बहुत बढ़िया, ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है कि नहीं? अब फटाफट डिटेल्स लिख दीजिए। आइए डिटेल्स कौन कौन सा लिखेंगे बताइए जल्दी से, डिटेल्स कौन कौन सा लिखेंगे जल्दी बताइए। तो लिखेंगे डेट, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, बोलो ना नेम ऑफ सप्लायर, उसके बाद LF, उसके बाद इनवॉइस नंबर, उसके बाद डिटेल्स अमाउंट, उसके बाद टोटल अमाउंट, यही है ना फॉर्मेट। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जल्दी से बताओ कि कौन से डेट को क्या हुआ है। 2022 जुलाई 1 सबसे पहले डेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेट हम लोग लिख लेंगे जुलाई 2022, बोलो लिख ले क्या, कोई डाउट किसी को? चलो 2022 जुलाई 1 क्या हुआ है, 2022 जुलाई 1 को बोलो क्या हुआ है। तो बॉट गुड्स बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर एज पर इनवॉइस नंबर 20041, यानी कि राहुल ट्रेडर से खरीदे हैं। तो आप लोगों को मालूम है ना कि जिससे भी खरीदते हैं उसका नाम लिख देते हैं, तो बोलो यहाँ पर नाम लिख दे क्या, किससे खरीदे हैं, राहुल ट्रेडर्स, राहुल ट्रेडर से खरीदे हैं, इनवॉइस नंबर दिया है क्या, यस सर 20041, तो इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में लिख दे क्या 20041,
उसके बाद लिखा है क्या क्या खरीदे हैं सर, तो क्या क्या खरीदे हैं जरा गौर कीजिए, 40 रजिस्टर्स यानी कि 40 को रजिस्टर खरीदे हैं एट द रेट बोलो ना 60 रुपया ईच, यानी एक रजिस्टर का दाम कितना है 60 रुपया है। तो यहाँ पर लिख दे क्या, 40 रजिस्टर, बोलो 40 रजिस्टर्स एट द रेट रुपीज 60 ईच। कोई दिक्कत किसी को, तो बताओगे 60 रुपया के हिसाब से 40 को रजिस्टर का दाम कितना हुआ 2400। कोई दिक्कत। उसके बाद 80 जेल पेन, बोलो क्या क्या खरीदे हैं, सबको लिख दे क्या यहाँ पर, वो 80 जेल पेन एट द रेट रुपीज 15 ईच, यानी कि 80 को जेल पेन खरीदे हैं और एक जेल पेन का कीमत 15 रुपया है, तो बताओगे 80 को जेल पेन का कीमत कितना होगा, अरे बोलो ना। क्वेश्चन निकाल के दो। 80 जेल पेन एट द रेट 15 ईच, बताओ कितना हुआ, 1200 रुपया हुआ। तो रुपया में डिटेल्स में लिखते जाओ। उसके बाद क्या खरीदे हैं बताओ, 50 नोटबुक, तो लिख दो 50 नोटबुक एट द रेट रुपीज 20 ईच। तो बोलो 50 को नोटबुक खरीदे हैं 20-20 रुपया वाला, कै को हुआ, कौ रुपया 1000 हो गया, कोनो दिक्कत। चलो उसके बाद क्या कहता है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर टोटल डिटेल अमाउंट बताओगे कितना हुआ, इसको नीचे वाला लिख दो, जोड़ के यहाँ पर लिख दो नीचे में, समझ रहे हो बात, टोटल जोड़ो तो कितना हुआ 4600, 4600। अब इसमें से लिखो लेस, क्या बोला है डिस्काउंट, कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट, लेस लिखो ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है एट द रेट 10%। तो बोलो 4600 रुपए का 10% कितना होगा 460 रुपया, माइनस करो और माइनस करके अब नेट अमाउंट बाहर कर दो, कितना रुपया होगा 4140 रुपया। कोई डाउट किसी को। तो ये हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है सर। आइए, 1 जुलाई का रिकॉर्डिंग तो हो गया, 1 जुलाई के बाद जल्दी से बताइए 1 जुलाई के बाद क्या हुआ है। 15 जुलाई को क्या कहता है, बॉट फ्रॉम ग्लोबल स्टेशनर्स एज पर इनवॉइस नंबर 1132। तो जिससे भी खरीदे हो उसका नाम लिख लिया जाए, क्या बोलो, लेकिन सबसे पहले वो लाइन खींच लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत, अब आ जाओ, जिससे भी खरीदे हैं, जिस डेट को खरीदे हैं, जुलाई बोलो तो जुलाई 15 को किससे खरीदे हैं बाबू, नाम बताओ, ग्लोबल स्टेशनर्स से, तो लिखेंगे ग्लोबल स्टेशनर्स, लिख दे क्या, चलो तो ग्लोबल स्टेशनर्स का नाम लिख दिए, और ग्लोबल स्टेशनर से क्या खरीदे हैं ये भी डिटेल्स लिख दिया जाए क्या, तो चलो लिखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो बताइएगा ग्लोबल स्टेशनर से क्या क्या और कितना कितना खरीदे हैं, बताओ, बोल के बताओ। ऊपर कुछ नहीं लिखे हैं, बस हेडिंग लिखे हैं, ऊपर कुछ नहीं, बस परचेज बुक लिखे हैं, किसके बुक में बनाना है, डेट सीट, इतना ही लिखे हैं, ठीक है। चलो ग्लोबल स्टेशनर से बताओ, ग्लोबल स्टेशनर से कितना कितना खरीदे हैं और क्या खरीदे हैं, बताओगे, चलो ग्लोबल स्टेशनर से खरीदे हैं 40 इंक पेन, बताओ 40 इंक पैड्स एट द रेट रुपीज 8 ईच, यही खरीदे हैं ना, किताब में देखो, तो बताओ 40 गो इंक का पैड खरीदे हो और एक गो इंक पैड का दाम है वो 8 रुपया है, तो 40 गो का दाम कितना हुआ 8 × 32 320 रुपया। लेकिन रुक जाओ, ग्लोबल स्टेशनर से हमने खरीदा है उसका इनवॉइस नंबर भी तो दिया है, इनवॉइस नंबर कितना है 1132, तो वो इनवॉइस नंबर में लिखना पड़ेगा ना, 1132, किसी को तकलीफ, चलो
अब क्या खरीदे हैं, पहला 40 इंक पैड 8 रुपया वाला, वो हमने लिख दिया। उसके बाद बताओ 50 फाइल्स, जल्दी बोलो 50 फाइल्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। चलो बताओ 50 वो फाइल खरीदे हैं 10 रुपया वाला, तो कितना हुआ 500 रुपया हो गया। आगे बताओ 20 कलर बुक एट द रेट 20 रुपीज ईच, यानी कि 20 वो कलर बुक खरीदे हैं 20 कलर बुक एट द रेट रुपीज 20 ईच। तो चलो बताओ 20 को कलर बुक 20 रुपया वाला कितना रुपया का हो गया 400 रुपया का हो गया। आगे बोलो ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो ट्रेड डिस्काउंट मालूम है ना कैसे करते हैं, ये जो भी डिटेल्स अमाउंट में लिखे हैं इसको टोटल कर दीजिए और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। टोटल करो कितना हुआ 5, 4, 9, 3, 1220 रुपया। अब इसमें से लेस करो, क्या करोगे लेस, ट्रेड बोलो ना भाई, ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपया, ट्रेड डिस्काउंट परसेंट में बोला है एट द रेट 5%, तो बताओ 1220 रुपया का 5% कितना होगा, नहीं बोलोगे, हाँ जी 61 रुपया लिख दो, माइनस करो 61 रुपया, कितना होगा नेट अमाउंट बाहर कर दो, कितना होगा 1159 रुपया। कोई डाउट किसी को, क्या बहुत भारी लग रहा है क्या, नहीं ना सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग 15 तारीख के बाद आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं सर, चलिए पहले लाइन खींच लिया जाए, लाइन खींच लिया जाए। अब 15 तारीख के बाद बताइए जुलाई 23 तारीख को क्या हुआ है, परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर एज पर इनवॉइस नंबर 3201, यही है ना, तो बताओ ना जी लांबा फर्नीचर से हमने खरीदा है ना, तो यहाँ लिख लो लांबा ट्रेडर का नाम, बोलो जरा सा रुक जाओ, जरा सा रुक जाओ जरा सा ध्यान देना, यहाँ पर लांबा फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा है जिसमें दो चेयर एक टेबल है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने किया है इस क्वेश्चन में, ये सारे के सारे स्टेशनरी से संबंधित थे, सारे के सारे स्टेशनरी से संबंधित थे, और स्टेशनरी आप लोग जानते हो क्या होता है, बोलो क्या होता है स्टेशनरी, कॉपी कलम रबड़ कटर, देख रहे हो कलर पेन फाइल इंक पैड ये सब होता है ना, आगे चेयर टेबल होता है स्टेशनरी। देखो इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने से ये तो पता चल गया है कि हम लोग स्टेशनरी के बिजनेसमैन हैं, और अगर स्टेशनरी हम लोग खरीदेंगे तो वो हमारे लिए परचेज के कैटेगरी में आएगा, गुड्स कहलाएगा, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग स्टेशनरी खरीदेंगे तो वो हमारे लिए परचेज के कैटेगरी में आएगा, उसको हम लोग गुड्स कहेंगे। लेकिन स्टेशनरी के अलावा अगर दूसरा कोई एसेट खरीदते हैं जैसे कि फर्नीचर टेबल चेयर, ये हमारे लिए स्टेशनरी थोड़ी है, ये हमारे लिए स्टेशनरी थोड़ी है, तो क्या इसको हम लोग परचेज के कैटेगरी में रखेंगे, नहीं सर, ये हमारे परचे के कैटेगरी में नहीं आएगा, समझ पा रहे हो क्या, अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। तो लांबा ट्रेडर से, लांबा फर्नीचर से जो हम लोगों ने चेयर और टेबल खरीदा है, मेरे हिसाब से ये परचेज बुक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, गुड्स आता है, गुड्स, और इस क्वेश्चन में गुड्स क्या है, स्टेशनरी, जो कि परचेज टेबल नहीं होगा। क्लियर है बात, नहीं रुक जाओ, अभी हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, लिखने में व्यस्त मत रहो, ये बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। तो सर, तो लांबा ट्रेडर वाला यानी 23 तारीख वाला रिकॉर्डिंग नहीं होगा, आ जाइए 25 तारीख को, 25 तारीख को बोलिए, 23 के बाद 25 तारीख को क्या हुआ है, बॉट फ्रॉम मुंबई ट्रेडर एज पर इनवॉइस नंबर 1111। तो चलो क्वेश्चन को देख करके बताने का प्रयास करो कि हम लोगों ने किससे खरीदा है, उसका नाम लिख दिया जाए,
बोलो ना, किससे खरीदे हैं जी? मुंबई ट्रेडर से। तो उसका नाम लिख दें, मुंबई ट्रेडर्स लिख दिए। और इनसे क्या इनवॉइस नंबर बोलो, 111111 जो भी है लिख दिए, कोई दिक्कत? हाँ, 111111। चलो, क्या क्या खरीदे हैं वो सारा डिटेल्स लिख दिया जाए क्या? जो जो भी खरीदे हैं सारा डिटेल्स लिख दिया जाए। बोलो क्या खरीदे हैं? 10 पेपर रिम एट द रेट रुपीज 100 पर रिम। किसी को तकलीफ तो बोलो, 10 गो पेपर रिम खरीदे हैं 100 रुपया वाला, तो टोटल मिला के कितना हुआ? बोर्ड पर देख के बोलो, बोर्ड पर 1000 हो गया ना। चलो अब ध्यान दो, 400 ड्राइंग सीट खरीदे हैं, 400 ड्राइंग सीट एट द रेट रुपीज 3 ईच। तो बताओगे कि 400 ड्राइंग सीट यानी ड्राइंग का पेज खरीदे हैं 400, और एक वो पेज कितने रुपए का है? 3 रुपये का। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 1200 रुपये का हो गया। अगला बताओ, 20 पॉकेट वाटर कलर, 20 पॉकेट वाटर कलर, बचपन में इस्तेमाल करते थे ना वाटर कलर, वाटर कलर एट द रेट 40 पर पैकेट के हिसाब से बताओगे कितना हो गया? बोलो ना, 20 गो पैकेट 40 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 800 रुपया। तो चलो यहाँ लिख देते हैं 800, कोई दिक्कत? 800 कोई दिक्कत? चलो, और कुछ बोला है क्या? नहीं सर। तो चलो टोटल जोड़ के बाहर करो इसको, 3000 रुपया बाहर हो गया। अब बताओ लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? टोटल अमाउंट को जोड़ देते हैं सर। तो आइए जोड़ दिया जाए टोटल अमाउंट को। चलिए, और यहाँ क्या लिखते हैं बताइए, यहाँ क्या लिखते हैं बताएगा कोई? लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पर डेबिट, और टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। बोलो कोई डाउट? तो बोलो ना कितना रुपया हुआ टोटल, कोई जोड़ के बताएगा क्या? हाँ, डेट लिख दो यहाँ पर, 31 तारीख। हाँ, टोटल अमाउंट जोड़ो, जुलाई 1 को 4140 रुपया, कैलकुलेटर निकाल दे क्या? चलो बोलो, बोलो तो कितना कितना है देख के बोलो, 4140 प्लस बोलो 1159 प्लस 3000, यही है ना? 3000 बराबर कितना हो गया? 8299। और मजे की बात है, 8299 देखो तो आंसर आया है क्या? कोई दिक्कत आंसर आया है क्या? देखो यहाँ सीखने वाली बात क्या थी कि वो जो, हाँ, 8299 मेरा भी आया है। सीखने वाली बात क्या थी कि सर जो लांबा फर्नीचर से जो फर्नीचर खरीदे थे ना, वो नहीं आएगा, गलती से उसको लिख दिए होते तो आंसर आता? नहीं आता। तो आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय, ये देख के पहचानना पड़ेगा कि परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज का मतलब गुड्स होता है, परचेज का मतलब गुड्स होता है, और गुड्स कोई फर्नीचर नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में गुड्स क्या था? स्टेशनरी था, इसलिए स्टेशनरी के हिसाब से रिकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। कोई बहुत भारी था क्या? चलो तो लिखना शुरू करो। अब हम लोग परचेज बुक के बाद सेल्स बुक शुरू करने जा रहे हैं, सेल्स बुक, ठीक है? ये क्या होता है सेल्स बुक? तो चलो ध्यान दो, सेल्स बुक क्या होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने परचेज बुक के बारे में सीखा था कि परचेज बुक एक ऐसे बुक को कहते हैं जिसमें सभी के सभी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से
सेल्स बुक एक ऐसे बुक को कहते हैं जिसमें कि सभी के सभी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो लिख सकते हो क्या, बोलो ना कैसे लिखोगे सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक लिखो, सेल्स बुक इज ए बुक, सेल्स बुक इज ए सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक विच रिकॉर्ड्स, बोलो विच रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि सारे के सारे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करता है, ऐसे बुक को सेल्स बुक कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि जिस किसी ने भी परचेज बुक पढ़ा है उसके लिए सेल्स बुक कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा कि परचेज बुक का फॉर्मेट होता है ठीक उसी प्रकार से सेल्स बुक का भी फॉर्मेट होता है। तो चलो सेल्स बुक का फॉर्मेट खींच करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना होता है उसका नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में बनाना है डैश डैश डैश, और क्या लिखना है सर, तो सेल्स बुक बनाना है। तो चलो सेल्स बुक का फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट कैसे होता है आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हेडिंग के लिए ऊपर लाइन खींच लिया जाता है, बोलो, और सबसे पहला कॉलम किस चीज का होता है कोई बताएगा क्या? सबसे पहला कॉलम डेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। डेट के बाद देखो जैसे कि उसमें नेम ऑफ सप्लायर हुआ करता था परचेज बुक में, क्यों नेम ऑफ सप्लायर हम लोग लिखते थे कि हमने किससे खरीदा है उसका नाम लिखते थे हम लोग, हमने किससे खरीदा है उसका नाम हम लोग लिखते थे परचेज बुक में। लेकिन यहां तो सेल किए हैं ना, बेचे किसको है उसका नाम लिखा जाएगा, उधार में किसको बेचे हैं, उधार में जिसको बेचे हैं उसका नाम लिखाएगा। तो उधार में किसको जिसको भी बेचते हैं वो हमारा कौन होता है, कस्टमर या डेटर, बोल सकते हैं क्या? तो यहां पर नेम ऑफ कस्टमर के लिए एक कॉलम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हो अगला कॉलम किसके लिए होता है, बोलो, एलएफ के लिए होता है। फिर उसके बाद अगला कॉलम इनवॉइस नंबर, उसके बाद डिटेल्स अमाउंट, और फिर टोटल अमाउंट। तो चलो इस चीज को फटाफट लिख दिया जाए क्या? तो चलो लिखते हैं फटाफट इसको, चलो ध्यान दो। तो लिखेंगे सबसे पहले डेट, उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर, यहां क्या लिखना है, नेम ऑफ कस्टमर, ना कि सप्लायर का नाम, किसका नाम लिखना है, कस्टमर का नाम लिखना है। उसके बाद एलएफ, उसके बाद इनवॉइस नंबर, उसके बाद डिटेल्स अमाउंट, है कि नहीं, डिटेल्स अमाउंट, और उसके बाद टोटल अमाउंट, कोई दिक्कत? तो ये आपका सेल्स बुक का फॉर्मेट है। और लास्ट में क्या किया जाता है सर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो एक सीधा लाइन खींच करके ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 31 तारीख को, जिस भी महीने का चल रहा हो उसके 30 या 31 तारीख को, मतलब कि साल के अंतिम दिन को लिखेंगे, लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और आप सभी जानते हैं कि सेल्स एक इनकम है और उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स अकाउंट और बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे, और यहाँ पर टोटल अमाउंट में टोटल जोड़ करके और लिख दिया जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो इसके साथ ही आपका सेल्स बुक का फॉर्मेट खत्म होता है। आप सभी चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से बना सकते हैं। कोई डाउट किसी को, बोलो ना, कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी बना सकते हैं। आया क्या बात समझ में, बोलो ना। चलो तो फटाफट जितना अभी तक लिखे है इसको लिख लेना है। और देखो जैसे परचेज बुक का सवाल बना के लाए थे या अभी बना के देखे हो, सेम उसी प्रकार से सेल्स बुक भी बनेगा, बस परचेजर के नाम, सॉरी सप्लायर के नाम के जगह पर कस्टमर का नाम लिखना है, बनेगा बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि पहले बनता था। कोई भी डाउट नहीं है? तो क्या हम कहें आप लोगों से कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में बना के लाओगे? अरे बोलो ना भाई। तो ये देखो होम फन क्वेश्चन नंबर 4 और 5, खुश हो जाओ, बना के लाना है, क्या समझे, बोलो।
चलो, और जो जीजे अभी लिखवाए हैं इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है सर।